भेजदेही के माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में रैंडमाइजेशन पद्धति से केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति बंद करने एवं परीक्षा के दौरान दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर अध्यापक संघर्ष समिति भेजदेही ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष विजय पटैया ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति रैंडमाइजेशन पद्धति द्वारा की जा रही है, जिसके कारण व्यक्ति को अपनी मूल संस्था से 100 से 150 किलोमीटर दूर केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जहां पर ना तो रुकने की व्यवस्था होती है और ना ही परीक्षा समय पर आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध होता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षा चालू हुई है 16 तारीख से, तो 16 तारीख को ही हमारे दो शिक्षक जो है पेपर लाने के लिए जा रहे थे और उनकी सड़क हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि शासन को उनको कोरोना योद्धा मानना चाहिए और कोरोना योद्धाओं को जिस प्रकार से सुविधाएं शासन दे रही है, जो मुआवजा दे रही है, उस प्रकार से उनको मिलना चाहिए और उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। खबर मध्य प्रदेश के लिए भेजदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।